हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता बुटीक में। आज मैं आपके लिए देखिए वर्क वाले जो पीस होते हैं उस पर किस तरह से आप ब्लाउज पीस निकाल सकते हैं कम कपड़े में। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ ब्लाउज़ की कटिंग, ये नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग है वन टक्स में, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी जो है वो ये है कि यहाँ पर कपड़ा कम है हमारा और उसको किस तरह से हम जोड़ लगा के पूरा करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसके जो लेस वगैरह है और दोनों पीसों को हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इन पीसों को हम अलग करने के बाद में सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को मेज़र करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इस तरह से रखेंगे, देखिए। तो देखिए मैं इसकी जो लंबाई आएगी वो दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये 13 इंच है, और जबकि हमें कंप्लीट हमें 13 इंच चाहिए होगा। तो इसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे और किस तरह से हम इसको ब्लाउज़ निकालेंगे, ये देखिए। इस तरह से हम वर्क वाले जो भी पीस है हमारा उसका गले के शोल्डर से जो भी इसका वर्क है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको सेट करेंगे। सेट करके इस तरह से रखेंगे हम इसको, और नीचे से भी हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से, आप देखिए। इसके बाद में हम इसके गले की मेज़र लेंगे। यहाँ पे देखिए बोट नेक बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 5 इंची आ रहा है, हम यहाँ पे 8 इंची का शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम आधा इंची शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से, जो भी हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आप 6.5 इंची का हम शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरह से आर्म होल का, और हल्का सा अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो आप देखिए ये अंदर से जो कपड़ा हमारा नीचे वाला है ये थोड़ा कम है और तिरछा है, तो इसको हम सीधा करते हुए यहाँ पर हम लाइन को सीधा कर लेंगे। और जो भी आपका चेस्ट का साइज़ होगा उसका आप चौथा भाग यहाँ पर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 9 लिया है और 2 इंची एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है मार्जिन। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम टक्स का निशान यहाँ पे 3.5 इंची पे लगा रहे हैं, देखिए। ऊपर से मैं यहाँ पे 10 इंची पे लगा रही हूँ, ये टक्स का है हमारा, वन टक्स में बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर 1 इंची चौड़ा यहाँ पर टक्स का निशान मैंने लगा दिया है, देखिए आप। और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर कमर का निशान भी लगा लूँगी, और इन निशानों को लगाने के बाद में सीधा करते हुए इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर हो जाती है, और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, और जो अब हमारा बैक पार्ट है इसको हम देखेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये कपड़ा हमारा देख सकते हैं आप एक साइड से कम है, लेकिन अब इसको हम पहले से इसी तरह से जैसा हमने फ्रंट पार्ट फोल्ड किया था अपने वर्क के कंधे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इस तरह से, तो देखिए मैंने मिला के इस तरह से सेट करके रख लिया है। और यहाँ पर हम मेजर करेंगे इंची टेप से, तो देखिए 9 इंची हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया, और 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया था हमने वो लगाया, और इस तरह से मैंने आर्म होल की शेप डाल दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना हमारा कपड़ा कम रह रहा है, तो अब इस तरह से हम इसको रख देंगे जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था। अब इसको हम मेज़र करके देख लेते हैं इस तरह से, देखिए बाकी शेप मैंने इस तरह से दे दी है, बस यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है वो 1 इंची एक्स्ट्रा दिया है, आप देखिए इस तरह से, और राउंड शेप दे दिए, और टक्स का निशान भी सेम लगा दिया है हमने, बाकी हमें सेम ही रखना है। और अब मैं फ्रंट पार्ट अलग हटा दे रही हूँ, अब आप देखिए इसकी कटिंग भी हम इस तरह से कर देंगे। और ये जोड़ किस तरह से लगाना है, ये लगाने के बाद में किस तरह से लगता है, ये आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है, और ये जो इतना टुकड़ा हमारा ये कम है, कपड़ा कम है, इसको हम ये पहले हम इस कपड़े को सीधा कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी ऊंचा नहीं जाए ये इसको हम अलग हटा देंगे, और एक सीधी पट्टी लेंगे इस तरह से, हटा दिया ये देखिए। और ये जो हमारा साइड से ये कपड़ा बचा था इसको भी हम सीधा कर लेंगे, और इसको इस तरह से इसके नीचे रखते हुए जहाँ तक हमारा आएगा उतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह नीचे इसके सेट करेंगे, और बाकी जो कटिंग है सेम इसकी कटिंग हम कर लेंगे।
निशान लगाने के बाद में इसमें हम कटिंग कर लेंगे और ये यहाँ पर हमारा जोड़ लग जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से जोड़ लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से रख के यहाँ पे हमें इसे जोड़ देना है। और अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे, तो आप देखिए जो भी आपका आर्म होल होगा उसमें हम 4 इंची यहाँ पे प्लस कर देंगे इस तरह से। डबल फोल्ड कपड़ा मैंने यहाँ पे रख लिया है और इसको अब हम 4 तह में फोल्ड फोल्ड करके रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए होगी उसमें मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है और 3 इंची का मार्जिन यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगाया है ऊपर से आर्म होल की शेप देने के लिए स्लीव की। और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव की शेप दे दी। अब यहाँ पे मोहरी का हम नाप लेंगे देखिए, और मोहरी का नाप लेने के बाद में यहाँ पे 2 इंची मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद इस तरह से निशान को लगा दिया और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके मेन फैब्रिक हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इस पर अस्तर की कटिंग करेंगे, ये देखिए अस्तर है इसका, और अस्तर को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है डबल फोल्ड में और उस पर मेन फैब्रिक रखते हुए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे नेक की कटिंग नहीं की थी, यहाँ पर हम नेक को भी कटिंग कर लेंगे और सेम जो हमने ड्रॉ किया था कट किया था उस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ सीखने में समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो गई है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग भी कर लेंगे और यहाँ पे हमारी स्लीव में छोटा सा जोड़ आएगा जो कि हमारी लेंथ कम होने के वजह से आ जाता है बगल में। तो ये देखिए इस तरह से हम आर्म होल के हिसाब से सेट करेंगे यहाँ पे, और जो हमारे ये कपड़ा कम पड़ रहा है इसको हम बाद में अस्तर जो साइड से कटिंग बचेगी हमारी उसके रखते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से मैंने रख दिया और यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पे सिलाई पे चलते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये पहले हम जो हमारा जिसमें जोड़ पड़ा था वो हम पार्ट लेते हैं जिसमें हमें जोड़ लगाना है, कट लगा था हमारा। तो ये मेन फैब्रिक में ले ले रही हूँ इस तरह से, आप देखिए। और ये जो पीस है इसको हम इस तरह से मिलाएँगे उल्टी साइड से रखते हुए, यहाँ पर हम सिलाई से इसे जोड़ लेंगे। तो आप देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है इस तरह से, और ये हम सीधा साइड लेंगे और अस्तर का सीधा साइड दोनों मिलाते हुए यहाँ पे हम नीचे जो हमारे कमर की साइड है यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे हम एक छोटी सी आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और इस जोड़ को हम उधर साइड में खुली साइड में हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है हमारी और एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको कट करेंगे। और ये जो सिलाई है ये हम अस्तर की साइड में मोड़ते हुए, ये देखिए इधर साइड में मोड़ते हुए यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। इस तरह से हम नाखून से इसको सेट कर देंगे और अस्तर की साइड में हम इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो
इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हमारे टक्स वाला निशान लगा है, इसे हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम इसके साइडों पे सिलाई लगा लेंगे सब तरफ, लगा लेनी है जिससे कि हमारा इसमें ये सेट हो जाए। तो देखिए ये सारी साइड में मैंने सिलाई आपको लगा के दिखा दी है। इस तरह से ही आपको इसको सेट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। जो टक्स है ये देखिए इस तरह से टक्स का निशान है लगा हुआ है। और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंची के यहाँ पे टक्स डालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों मिला के हम इस तरह से देख लेंगे और यहाँ पे हम इसको बीच से कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम आई पट्टी और हुक की पट्टी जो है वो हम इसको लगाएंगे। तो ये पट्टी देखिए मैंने इस तरह से ये ले ली है और यहाँ पे इसको नापेंगे। देखिए मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इस लंबाई से इसको एक्स्ट्रा लिया है और एक पट्टी इस तरह से मैंने ये यहाँ ली है और इसको हम यहाँ पे फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको पहले अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको और उल्टी साइड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद में हम इसको इस तरह से रख लेंगे और एक किनारे की सिलाई इस पर लगा के पक्का कर देंगे इसको। अब हम इस पट्टी को इस तरह से लेंगे और पट्टी की सीधी साइड और ब्लाउज के पीस की उल्टी साइड हम इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पर। इस पर सिलाई लगा के हम यहाँ कंप्लीट करने के बाद में इसको हम सीधी साइड में मोड़ते हुए पट्टी को लगाते बनाएंगे। तो देखिए हमारी ये पट्टी इस तरह से लग गई है और इसको हम सीधी साइड में इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए नाखून की सहायता से इसको मोड़ देंगे और एक्स्ट्रा ये धागे हम कट करने के बाद में इसका मोड़ेंगे और जो सिलाई हमारी लगी हुई है इसको इसके ऊपर रखते हुए छुपाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से इसको रखेंगे कि हमारी ये सिलाई ना दिखाई दे। ये पूरी पट्टी को हमें इसी तरह से लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आप ये पट्टी मेरी लग गई है आई वाली। देखिए कितनी सफाई से ये पट्टी यहाँ पे लगी हुई है और इसी तरह से हम ये इधर भी लगा देंगे और अंदर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी लगा दी है और इसके ऊपर सिलाई लगा के हम अंदर इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी कंप्लीट कर दी है और ये दोनों पार्ट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ये बैक पार्ट है हमारा। सेम इसी तरह से मैं ये सीधा फ्रंट पार्ट भी तैयार करूँगी। पहले नीचे की सिलाई लगाऊँगी और ऊपर से टक्स के निशान लगाऊँगी, दोनों साइड फोल्ड करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नीचे की सिलाई लगा दी है और यहाँ पे टक्स डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये टक्स डालने के बाद में इसका कितना अच्छा पफ बनके तैयार हुआ है। आप देखिए
इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इसके शोल्डर दोनों शोल्डर जॉइंट कर दूंगी, और जॉइंट करने के बाद में मैं इसकी फिटिंग लगा दूंगी। स्लीव लगाने के बाद में तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पट्टी लगा के आपको ये दिखाई है, इस तरह से बन गई है, इस तरह से फोल्ड हो गई है ये यहाँ पर हमारी। और स्लीव बनने के बाद में ये कितना अच्छा लुक आता है, या फाइनल लुक आप इसका देखिए। ये देखिए इसकी स्लीव, ये जोड़ लगा के मैंने तैयार कर ली है। और इसको इस तरह से हम गोल्ड स्लीव लगाएंगे, और यहाँ पे हम गले पे तुरपाई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो देख के कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मेरे चैनल को। इसी तरह से और नए नए वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आप देखिए ये बनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो कम कपड़े में आप इसको किस तरह से बना सकते हैं देख सकते हैं आप। ये इसका गला देखिए आप, ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे तुरपाई कर दी है। और आप ये देखिए इसका ये टक्स डालने के बाद में किस तरह से लगता है, कितना प्यारा। ये 3 टक्स में है, ये मैंने 4 टक्स में नहीं बनाया है ये। तो आप ये देखिए ये स्लीव इसके बॉर्डर लगाने के बाद में तैयार है। तो इस तरह की और वीडियो आप मेरे चैनल पर देखिएगा, और मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से पूरा के साथ में।